हेलो सभी, रविंद्र आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव भारी। दोस्तों आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेटाफोर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आया कि सर हम लोग नए हैं, मेटाफोर्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए, हमें अगर शुरुआत करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर आपके टीम में भी करिए। तो दोस्तों नाम रविंद्र यादव है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, छत्रपति संभाजीनगर से, और गए एक साल से दोस्तों मेटाफोर्स सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ से जो अर्निंग हुई है लगभग 51 लाख प्लस की अर्निंग हो चुकी है। और दोस्तों देखिए मेटाफोर्स में जिन्होंने भी ज़्यादा अर्निंग की है उन्होंने क्या अलग किया है, उसका सीक्रेट मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो दोस्तों सीक्रेट एक ही है कि उन्होंने कितने स्लॉट यहाँ पे बाय किए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लगभग 11 स्लॉट है और यूनाइटवर्स में 5 टीयर है और मेरे पास फोर्स कॉइन लगभग 20,000 है। दोस्तों 51 लाख प्लस का अर्निंग हो चुका है और ये केवल साल भर में हुआ है। तो दोस्तों शुरुआत में हम यहाँ पे क्लासिक के बारे में जानकारी लेंगे, टेक्टाइल के बारे में जानकारी लेंगे, और धीरे धीरे जैसे आप सिस्टम में आते हैं तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अवगत होती रहेगी। सभी एक दिन में हम नहीं सीख पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दोस्तों 51 लाख प्लस का अर्निंग मेरा हो चुका है और आगे का मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे 31 दिसंबर से पहले यहाँ पे 1 CR को क्रॉस करना है। और दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, ये मेरी ताकत नहीं है, प्रोजेक्ट की ताकत है। तो बिल्कुल आज बारीकी से समझेंगे मेटाफोर्स क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं और कैसा हम टारगेट इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। 51 लाख कोई कम अमाउंट नहीं होता है दोस्तों, कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रिटायर भी होते हैं तो इतना अमाउंट नहीं मिलता है। तो चलिए मेटाफोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों काफ़ी नॉलेजफुल आज का प्लान होने वाला है, चैनल पर एंड तक रहना है। देखिए करना है नहीं करना है आपका डिसीजन रहेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को समझ जरूर लेना है दोस्तों। तो चलिए अपना जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है मेटाफोर्स लाइफ चेंजिंग। ये एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी या नहीं, आप अगर इसको कैच करते हैं तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। ऐसे ही साल भर मेरी, साल भर पहले लाइफ चेंज यहाँ से हुई है, मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया। दोस्तों एक मिनट में हमारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन से प्रोजेक्ट है, जैसे कि इनका जो रोड मैप है लगभग 12-13 प्रोजेक्ट है। पहला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों मेटाफर्स, ट्रेडर्स क्लब, मार्केटिंग टूल्स, NFT प्लेटफॉर्म, एकेडमी, रॉयल्टी, रेफरल इनकम। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेफरल इनकम, जो कि क्लासिक टेक्टाइल जिसको कहा जाता है। बाकी फिर यहाँ पे आने वाले समय में मेटाफोर्स है, NFT प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, रॉयल्टी स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे मैंने पहले ही कहा एक दिन में आपको पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझेगा, लेकिन आप शुरुआत कैसी करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो रेफरल इनकम के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो कर रहे हैं दोस्तों, जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, या फिर सर्विस को है, या फिर खेती है, तो दोस्तों उससे हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, उससे हमारा रोजी रोटी चल जाता है। अगर आपके सपने हैं तो हमें कुछ अलग करना होगा। देखिए हम वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं तो हमें वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है, लेकिन आप अगर चाहते हैं, आपके सपने हैं, बड़ा कुछ सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, आप वर्ल्ड टूर करें, फ्लाइट में बैठे, एक बड़ा बंगला आपका हो, बंगले के सामने एक बड़ी गाड़ी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, बैंक बैलेंस आपका हो, आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली हो, तो दोस्तों देखिए हम जो कर रहे हैं उससे हमारा रोजी रोटी चलता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आप कुछ अलग कीजिए, आपका जो खाली समय है उसमें कीजिए, तो बहुत बड़ा काम यहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे सपने पूरे यहाँ से हम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक अच्छी सी शानदार कार, ब्रांड न्यू बलेनो जैसी कार मैंने यहाँ से बाय की है। दोस्तों फ्लाइट की यात्रा कई बार मेरी हो चुकी है, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेरे वीडियो है। मैंने फ़्लाइट की यात्रा भी, मेरा सपना था बहुत दिनों से लेकिन नहीं हो रहा था, फ़्लाइट की यात्रा भी की है।
दोस्तों बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा हुआ है, 51 लाख, मतलब अच्छी अमाउंट होती है। और दोस्तों जैसे कि मेरा बंगलो तो नहीं लेकिन प्लॉट का काम हुआ है, जल्द ही आपको बंगला भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल फ्री हुए हैं, कहीं भी घूमना है जाना है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। और दोस्तों एजुकेशन की बात करें बच्चों की, तो वो भी एक अच्छे स्कूल में कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सभी मेरे जो सपने हैं फुलफिल इसमें हुए हैं और आपके भी हो सकते हैं। दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। एक इकोनॉमिकल सर्वे है दोस्तों, एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली सर्वे। दोस्तों ये सर्वे किया गया था 1940 में, जब एक फैमिली चलाने के लिए 10 रुपये में एक्सपेंसेस, 10 रुपये मतलब अच्छा खासा एक फैमिली महीना भर चल जाता था। लेकिन वही सर्वे 1960 में किया गया तो 10 रुपये की जगह लगभग 100 रुपये यहाँ पे लगने लगे। 1980 में वही 1,000 रुपये, जैसे कि हमें थोड़ा फार 1980-90 हमें थोड़ा सा जानकारी है कि 1,000 रुपये में एक मिडिल क्लास फैमिली मतलब महीना भर का गुजारा हो जाता था। लेकिन वही 2000 जब आया दोस्तों, तो यहाँ पे 1,000 की जगह हमें लगभग 10,000 रुपये लगने लगे। और दोस्तों अभी जैसे कि 2023 चल रहा है, जैसे कि अभी 1 लाख रुपए भी अगर कोई फैमिली की इनकम है तो भी उनको कम गिरता है, क्योंकि महंगाई उस रफ्तार से बढ़ रही है दोस्तों। अभी जैसे कि 2020 आया, 21 आया, 22 आया, 23 भी आया और 2040 भी आने ही वाला है। और 2040 में आपको एक घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। दोस्तों आप जो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ से आप 10 लाख रुपये 2040 तक कमा पाएंगे? अगर इसका जवाब ना है तो दोस्तों आपको मेटाफोर्स की आवश्यकता है। दोस्तों देखिए, हम जो पैसा कमाते हैं, 4 तरीके से हम पैसा कमाते हैं। ये है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी ये एक जाने माने बिजनेस कोच इनको कहा जाता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनके ये सलाहकार है, रह चुके हैं। और ये बताते हैं कि 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। कुछ सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय यानी एक छोटा मोटा दुकानदार है या फिर लॉयर्स है या फिर दोस्तों एम्प्लॉय एम्प्लॉय यानी जैसे कि कुछ लोग वर्कर है, कोई कंपनी में काम करते हैं, शॉप में काम करते हैं या कहीं जाके काम करते हैं, उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय यानी दोस्तों वो जिनका खुद का व्यापार है, जैसे शॉप हो सकता है या फिर वो सीए है या फिर वो डॉक्टर है या फिर वो अकाउंटेंट है, इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉय। तो दोस्तों 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, केवल 5% लोग वो बिजनेस ओनर है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन यानी जैसे राहुल बजाज जैसे, जिन्होंने एक कंपनी लगा दी, वहाँ पे लगभग 3 शिफ्ट में कंपनी चलती है, 1 शिफ्ट में लगभग 8,000 लोग वहाँ पे काम करते हैं, 8 घंटे 3 शिफ्ट में काम वहाँ पे चलता है, लगभग 2,40,000 घंटा उनका काम यहाँ पे होता है, वो बिजनेसमैन। और कुछ लोग होते हैं दोस्तों इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ने यानी पैसा लगा दिया, 2-5 साल के लिए उसको देखने की आवश्यकता नहीं, उनका पैसा ही काम करता है। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उनको उसमें इन्वेस्ट कर दिया, फिर जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी, खड़ी होगी, फिर बिकेगी, फिर उनको पैसा मिलेगा, इस तरीके से। दोस्तों देखिए बिजनेस ओनर ये पैसिव इनकम कमाते हैं, ये रोज काम नहीं करते हैं, रोज कंपनी में नहीं जाते हैं, फिर भी ये पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर रोज काम नहीं करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को रोज ड्यूटी पे जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक्टिव इनकम में काम होता है। ये अगर ड्यूटी पे नहीं जाता है, इसको पैसा नहीं मिलता है, ये जितना समय दे रहा है उतना ही पैसा इसको मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉय का भी वैसा ही है, शॉप खुलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खुलेगा तो नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनको पैसिव इनकम मिलता है। और हमें एक जरिया ये है मेटाफोर्स की तरफ से कि हम भी पैसिव इनकम यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब रिस्क, कोई बिजनेस हमने डाल दिया, चला नहीं चला, उसमें रिस्क है,
और बिजनेस डालने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में भी रिस्क है, बिजनेस चलता है नहीं चलता है, चलेगा तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो यहाँ पर रिस्क है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन मेटाफोर्स करने में कोई रिस्क नहीं है, मेटाफोर्स समझने के लिए हमें समझना होगा इवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्तों जैसे कि समय के अनुसार पैसा बदलता गया, हमने इसको स्वीकार किया, जैसे कि शुरू में चलन नहीं था, शुरू में क्या था, बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले में वस्तु विनिमय पद्धति। अगर किसी को गेहूं चाहिए तो फिर वो ज्वार देता था, गेहूं लेता था, अगर उसको बाजरा चाहिए तो बाजरा देता था और फिर उसके बदले में जो चाहिए वो लेता था, इस तरीके से हमारा लेन देन चलता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने लगी, छोटी मोटी चीज़ें लेना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे राजे महाराजों के समय में यहाँ पे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इसमें भी हमने लेन देन किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सोने का वैल्यू बढ़ता गया और फिर छोटी मोटी चीज़ें लेना ये पॉसिबल नहीं हो रहा। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पे मेटलिक कॉइन में भी लेन देन किया। मेटलिक कॉइन यानी फिर आना हो सकता है, पैसा हो सकता है, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, इसमें भी हमने लेन देन किया। लेकिन दोस्तों इसमें भी व्यापारी लोगों को स्टोर करना, कैरी करना, ये थोड़ा सा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रॉब्लम आता गया। कहा जाता है आविष्कार ही प्रॉब्लम ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आता गया तो उस तरीके से हमने पेपर करेंसी के ऊपर हम आए। धीरे धीरे 1 के 2 के 5 के 10 के 50 100 1000 5 100 2000 के नोट आ गए दोस्तों। फिर कैश साथ में रखना, कितना भी कैश हम रख सकते थे, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे चोरी मकारी बढ़ने लगी, जिसके सामने कैश होता था, कोई व्यापार व्यापार करके आते थे व्यापारी, तो बीच में लूट लिया जाता था। इस तरीके से पेपर करेंसी भी जानलेवा साबित होने लगी, रिस्क लगने लगा दोस्तों। फिर यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ, प्लास्टिक कार्ड आए, प्लास्टिक कार्ड यानी ATM, पैसे बैंक में डाल दो और फिर जहाँ लगे वहाँ स्वाइप करके निकाल लो। धीरे धीरे ये बदलाव हम ही ने तो स्वीकार किया दोस्तों। यहाँ पर भी क्या होता था, सभी लोगों के पास ATM आ गए, देखते देखते ATM में कैश होना नहीं होना, गांव खेड़े में ATM है तो कैश नहीं होता था, ATM के सामने लंबी कतारें हमने देखी है। यहाँ पे भी कुछ बदलाव हुआ दोस्तों, हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी में, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, धीरे धीरे सब इलेक्ट्रॉनिक मनी पर आ गए। आजकल पानी पूरी खाने भी जाते हैं, पैसा छुट्टा नहीं होता है तो पानी पूरी वाला बोलता है कि आप फोन पे कर दो। तो दोस्तों ये धीरे धीरे बदलाव हुआ। अभी फोन पे में बहुत सारा कि जैसे बाहर देश में पैसा भेजना है तो हमें दिक्कत आती है, ट्रांजेक्शन फीस काफ़ी लगती है, समय काफ़ी लगता है। तो दोस्तों इसका आगे का जो वर्जन है यह है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, दुनिया में कहीं पर भी विद इन सेकेंड में बहुत कम गैस फीस में, बहुत कम खर्चे में हम किधर भी पैसा भेज सकते हैं। जैसे रुपया, रुपया बोला तो हम बोलते भारत का, टका बोले तो हम बोलते बांग्लादेश का, दिनार बोले तो हम बोलते दुबई का। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कोई देश की नहीं है, ये डिजिटल करेंसी वर्ल्ड वाइज है, दुनिया में कहीं पर भी इसको स्वीकार किया जाता है। और धीरे धीरे इंडिया में भी 2-4 जगह पे इसके ATM भी लगे हैं, बहुत सारी जगह पे ये स्वीकार भी कर रहे हैं। दिल्ली में कई रेस्टोरेंट खुले हैं जिसमें क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, जयपुर में इसका बैंक खुला है जहाँ पे आप INR दे के क्रिप्टो ले सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के फ्यूचर करेंसी जो है दोस्तों वो क्रिप्टो करेंसी है, इस चीज़ को हमें समझना है। क्रिप्टो समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों देखिए इसके एडवांटेज क्या है, इसी इजी मोबाइल पेमेंट्स स्कैन एंड पे कर सकते हैं जिस तरीके से फोन पे करते हैं, लो ट्रांजेक्शन फीस, काफ़ी कम इसका फीस लगता है, योर आइडेंटिटी इज प्राइवेट, आपको यहाँ पे कोई आधार पैन या फिर आपका कोई मतलब नाम बीम कुछ भी नहीं जाता है, इसको पेमेंट हो जाता है, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो प्राइवेट रहती है। फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, ग्लोबल होता है, दुनिया में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, आगे हम समझेंगे। हाईली सिक्योर ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जैसे बिटकॉइन 2009 में आया, सिंगल ट्रांजेक्शन भी इधर उधर अभी तक नहीं हुआ है इन 13-14 सालों में, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। 4 तरीके से लोग क्रिप्टो में अर्निंग करते हैं।
कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग यानी खरीदना बेचना, लेकिन इसमें रिस्क होता है, इसमें आपका कैपिटल लगता है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, रिस्क होता है, पैसा आता भी है जाता भी है। कुछ लोग होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग में भी आपका कैपिटल यहाँ पे आपको लगता है, रिस्क है, आपको उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए। पर्टिकुलर ऐसा कोई क्वाइन नहीं जो बढ़ेगा ही या कम होगा, कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग में दोस्तों आपका जो फंड है कुछ समय के लिए आपको लॉक कर दिया जाता है, और फिर उसमें भी क्रिप्टो करेंसी बढ़ी तो आपको बेनिफिट मिलेगा और नहीं बढ़ेगी तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है कम्युनिटी बिल्डिंग। जैसे कम्युनिटी हम अलग अलग, जैसे रिलीजन कम्युनिटी होती है, कोई धार्मिक कम्युनिटी होती है, राजकीय कम्युनिटी होती है, उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्डिंग में काम करते हैं और यहाँ पे हम मेटाफोर्स की कम्युनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। ये सबसे सेफ, यहाँ पे ना कोई कैपिटल बड़ा लगता है, ना कोई रिस्क है, कोई रिस्क यहाँ पे नहीं है। जितना आप रेफर करेंगे उतना अर्निंग आपको यहाँ से होगा। दोस्तों ये 100% द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। अभी ये डिसेंट्रलाइज क्या है थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। डिसेंट्रलाइज यानी इसका कोई मालक नहीं होता है। ये मिस्टर लाडो ओकांतिको है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। इन्होंने जैसा ये प्रोजेक्ट बनाया दोस्तों इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया, और ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जाता है तो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होता है, मालिक के मालिकाना हक खलास हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उसे एडिट करना, चेंज करना या बंद करना ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप खुद इसका स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फर्स्ट वे स्पेशल थैंक टू मिस्टर लाड़ो फाउंडर एंड डेवलपर फोर्सा डॉट आईओ एंड मेटाफोर्स। दोस्तों ये इसके डेवलपर है जिन्होंने इसको बनाया है, और जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया तो ये केवल इसके क्रिएटर रहे हैं, मालिक नहीं, मालिकाना हक इनके पास भी नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टर लाडो सर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। लगभग 13 साल तक इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल के इन्होंने काम किया है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर बनाने का ही इनका काम था, बहुत सारी कंपनियों को भी इन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिया। लेकिन इन्होंने एक चीज़ देखी, बहुत सारी कंपनी आई, साल 2 साल चली, महीने कुछ साल चली और वो बंद हो गई। कारण क्या था? कारण एक ही था दोस्तों, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट थे, किसी के हाथ में थे, उसने जब चाहा तब बंद कर दिया। लेकिन ये दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। दोस्तों ब्लॉकचेन क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पर डाल दिया तो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। थोड़ा सा समझेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी हमें पता है, इससे पहले हमने जो भी काम किया सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में किया। सेंट्रलाइज कब बंद हो सकता है? कंपनी चाहा तो बंद हो सकता है, एडमिन ने गड़बड़ी की तो बंद हो सकता है, लीडर ने धोखा दिया तो बंद हो सकता है, सरकारी कार्रवाई से भी बंद हो सकता है। गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में तो लगभग 1200 से ज़्यादा कंपनी बंद हुई दोस्तों। ये सेंट्रलाइज में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज कब बंद हो सकता है थोड़ा सा जानकारी लेंगे दोस्तों। डिसेंट्रलाइज कब बंद हो सकता है? दुनिया का इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद हुई तो ही ये बंद हो सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि ब्लॉकचेन पर ऊपर जैसे ही प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है तो ये एक नहीं कई सारे कंप्यूटर में, जितने नेट कनेक्ट डिवाइसेस है, लैपटॉप पीसी मोबाइल सब में इसकी एक डिजिटल कॉपी चली जाती है, और फिर इसको बंद करने के लिए सभी को एक साथ में जोड़ना होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको हैक भी नहीं कर सकते। अगर दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी एक ही बार में बंद हुई तो ये बंद हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब तो सोलार भी आ चुका है, अगर आपने बिजनेस छोड़ दिया तो आपके लिए बंद हो सकता है। देखिए टिप में दिया है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। यह पूरी तरह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जो समस्त मानव जाति के भलाई के लिए बनाई गई है। दोस्तों ये क्यों बंद नहीं हो सकता है? इस चीज़ को हमें समझना है। जैसे कि सेंट्रलाइज में क्या होता था, इसका सेंट्रल पॉइंट होता था, वहाँ से इसको हैंडल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई इसका सेंट्रल पॉइंट नहीं है, कई एक जगह से यह हैंडल नहीं होता है, किसी के पास इसके राइट्स नहीं है, जिसने बनाया उसके पास भी नहीं। उसके कारण दोस्तों ये कभी बंद नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल डिसेंट्रलाइज का स्टडी कर सकते हैं। सेंट्रलाइज तो आपको पता ही है, अब तक जो भी प्रोजेक्ट बंद हुए कारण एक ही था,
वो सेंट्रलाइज थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कभी बन नहीं हो सकता है। इसका उच्च उदाहरण है बिटकॉइन, 2008-09 में स्टार्ट हुआ, अभी तक ये बिल्कुल चल रहा है और न कभी ये बंद होगा। दोस्तों आगे हम देखेंगे ब्लॉकचेन क्या है। काफी देर से हम सुन रहे हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। दोस्तों ब्लॉकचेन दरअसल एक डिजिटल लेजर है जिसके ऊपर किसी भी चीज को आप डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, एक बार अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई योजना, प्लान, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, डिग्री, सर्टिफिकेट, संपत्ति अग्रीमेंट या पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन एक बार डाल दिया जाता है तो दुनिया की कोई ताकत इसे हटा नहीं सकती या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती या बंद नहीं कर सकती। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मोदी जी ने कुछ डिग्रियां ब्लॉकचेन के माध्यम के ऊपर मतलब लोगों को दी। IIT कानपुर की जो डिग्री है वो ब्लॉकचेन बेस्ड दे रहे हैं क्योंकि डिग्रियों में भी छेड़खानी की जा रही थी, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार कोई चीज़ डाल दी जाती है ना तो एडिट होती है, ना चेंज होती है, ना डिलीट होती है। यूपी में कोई पुलिस थाना है जो कि उसकी FIR ब्लॉकचेन के ऊपर दर्ज होगी, ब्लॉकचेन के ऊपर दर्ज होगी, ना एडिट होगी, ना चेंज होगी और बिल्कुल कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आने वाले समय में बहुत जगह आपको ब्लॉकचेन दिख सकती है। दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में आपको स्टडी करने की आवश्यकता है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज है, ये एक इकोसिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है। इस चीज को हमने क्लियर कर लेना है, इसको समझ लेना है। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, डायरेक्ट इनकम 100% होता है, टीम इनकम 100% होता है, 100% अप्लाइंग के वर्क से भी वर्किंग हमें यहाँ मिलता है, 100% यहाँ से क्रॉस लाइन से भी इनकम हमें मिलता है, विदिन 1 सेकंड में पे आउट हमें मिलता है, P2P वॉलेट टू वॉलेट, नो लाइबिलिटी नो रिस्क, 100% ऑनलाइन वर्क है। दोस्तों यहाँ नो MD, CMD, नो ऑफिस, ये कोई चीज नहीं होने के कारण इनका जो प्लान है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी डिलीट नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जाएगा, 100% सिक्योर सिस्टम है, नो पेयर मैचिंग, नो लेग मेंटन, नो PV, नो एडमिन, नो TDS, ये कुछ भी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों ये केवल क्यों नहीं है, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है उसके कारण नो कंपनी, नो MD, नो CMD, नो ऑफिस, नो एडिटेबल प्लान, नो डिलीटेबल प्लान, नो चेंजेबल प्लान, 100% सिक्योर, नो पेयर मैचिंग, नो लेग मेंटन, नो PV मैचिंग, नो एडमिन चार्ज, नो TDS, ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, अलग लगेगा, क्योंकि इससे पहले हमें जो सुना नहीं है वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन स्टडी करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए शुरुआत कैसे करनी है। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट, जैसे कि हमारा SBI का बैंक अकाउंट है जिसमें हम INR रख सकते हैं, उसी तरीके से ट्रस्ट वॉलेट में हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेकर उसको उसमें रख सकते हैं और आपकी शुरुआत भी ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ होती है। आपको फंड किसी को नहीं भेजना है, केवल ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, उसमें डॉलर खरीदना है और आप ही के मोबाइल से ही आपका ID यहाँ पे जनरेट होता है क्योंकि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों आपका जो पेमेंट आने वाला है ये DAI में आने वाला है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, पैसा कम होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो DAI ये स्टेबल कॉइन है, इस डॉलर को फॉलो करता है, 1 USDT इज इक्वल टू 1 DAI, और ये स्टेबल है, 2-3 रुपए से आगे पीछे होता है, उससे ज़्यादा ये कम या ज़्यादा नहीं होता है। गैस फीस के लिए हमें यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक लगता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन की है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, ये डबल लेयर होती है, ट्रांजेक्शन फीस काफ़ी कम लगती है और ट्रांजेक्शन काफ़ी फास्ट होता है। दोस्तों अब डॉलर कहाँ से ले, आप तो बोलेंगे डॉलर तो हमारे पास यहाँ पे, हम कैसे लेंगे। दोस्तों ये बाइनांस एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर यानी जैसे कि हम मान लो कोई बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एयरपोर्ट पर हमारी करेंसी देके दूसरी करेंसी लेते हैं, उसी तरीके से बाइनांस हमारे पास INR है तो हमें डॉलर देगा, अगर आप डॉलर बेचना चाहते तो बाइनांस ले लेगा और हमें INR देगा, पैसा देगा। इस तरीके से हम बाइनांस से डॉलर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बेच के पैसा हम हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, केवल 5 मिनट का ये काम होता है।
ये सभी ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप मेरा फोर्स में दी जाती है दोस्तों। दोस्तों मेटाफोर्स का प्लान क्या है? सिंपल प्लान है, अब तक इतना सिंपल प्लान मैंने कभी देखा नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने दो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है 6 लोगों का, इसको कहा गया है S6, और दूसरा है 3 लोगों का, इसको कहा गया है S3। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे S6 की। S6 6 लोगों का मैट्रिक्स है, यानी ये 6 लोगों का यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। जैसे ही पहला और दूसरा बंदा आता है हमें पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन जैसे तीसरा चौथा और पांचवा बंदा आता है तो हमें ये 100% पेमेंट मिलता है। छठा जैसे आता है तो स्लॉट रिसाइकल हो जाता है। कुल मिला के आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, 6 लोगों में से 3 लोगों का पेमेंट आपको मिलना है और 3 लोगों का पेमेंट कम्युनिटी में जाना है। 2 लोगों का कम्युनिटी में जाएगा, एक का अपलाइन को जाएगा। यानी ये स्लॉट अगर $5 का है, आपने $5 में ये लिया है, तो एक रिसाइकल में आपको ये $15 देगा। स्लॉट अगर 10 का है तो $30 देगा। जितने का भी स्लॉट है उसके 3 गुना ये आपको देता है। तो आपको समझना एक ही है, यह 6 6 में से 3 का हमें आएगा, 3 का कम्युनिटी में चले जाएगा। कम्युनिटी यानी आपके पहले जिन्होंने शुरुआत की है उनको यह चला जाता है। S3 को समझेंगे दोस्तों। S3 अभी मान लो ये पहला स्लॉट $20 का है, पहला बंदा आता है आपको $20 तुरंत मिलता है, दूसरा आता है $20 मिलता है, और तीसरा ये स्लॉट रिसाइकल होके ये अपलाइन को चला जाता है। स्लॉट 20 का है तो 20 आएगा, 20 20 आएगा, स्लॉट अगर 160 का है तो 160 आ जाएगा। आपको समझ लेना है, 6 में से 3 का पेमेंट आपको मिलेगा और 3 में से 2 का पेमेंट आपको मिलेगा, और तीसरा बंदा जैसे आएगा स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल हो जाएगा यानी ये फिर से भरने के लिए खाली हो जाएगा। उसी तरीके से S6 भी है, जैसे ही 6 लोग यहाँ पे भर जाते हैं तो फिर से ये भरने के लिए खाली हो जाएगा। दोस्तों एक स्लॉट हमें एक ही बार लेना है, एक ही बार पैसा देना है, और कितने भी बार हम इसको रिसाइकल 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 बार 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 लगातार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टोटल जो स्लॉट की मैं बात करूं, लगभग 12 स्लॉट यहाँ पे है। स्लॉट का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। पहला स्लॉट $5 का, दूसरा $10 का, इस तरीके से इसका हर एक स्लॉट का वैल्यू हर बार डबल हो जाता है, डबल यानी दुगना हो जाता है। तो आप कितने भी स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ये $5 का है, $10, $20, $40, $80, $160, $320, 640, 1280, इस तरीके से ये स्लॉट का कीमत यहाँ पे दिया गया है। आप आपके पॉकेट साइज अनुसार इसको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मेरे पास लगभग 11 स्लॉट है, 11वां स्लॉट $5,120 का है, 10वां 2560 का है, और 12वां लगभग $10,240 का है। पूरा प्रोजेक्ट 18 लाख का है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप कितने भी स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 3 स्लॉट से शुरुआत करते हैं 3500 होता है, 6 स्लॉट से करते हैं 28,000 हो जाता है। आपके पॉकेट साइज अनुसार आप शुरुआत करें, शुरुआत भले आप छोटी करें लेकिन इसको सीखें, स्टडी करें, और फिर आप बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम समझेंगे, इसमें रीएक्टिवेशन है, ऑटो अपडेट इसमें है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉकेट बता रहा है, ये पेमेंट हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, 3 का पेमेंट हमें मिलेगा, और ये 3 का हमें नहीं मिलेगा, लेकिन छठा जैसे आता है स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। अगर आपने 3 स्लॉट लिए हैं तो इसकी किस तरीके से ये नेक्स्ट स्लॉट बाय करेगा आगे हम देखेंगे। जैसे स्लॉट रिसाइकल हो जाता है तो फिर से भरने के लिए रेडी हो जाता है। ऑटो अपग्रेड काम कैसे करता है दोस्तों? मान लो आपने 3 स्लॉट लिए है, 4वां स्लॉट आपके पास नहीं है, 3रा स्लॉट तीन लोगों का है $20 का, तो ये किस तरीके से काम करेगा? पहला पेमेंट जमा करेगा, दूसरा पेमेंट जमा करेगा, और आपका आगे का स्लॉट ये बाय कर लेगा। इस तरीके से ऑटो अपडेट काम करता है दोस्तों। मान लो छोटी शुरुआत करके भी आप 10-12 स्लॉट के ऊपर जा सकते हो। अगर आपका 4 स्लॉट है तो आपका लास्ट का स्लॉट 6 लोगों का आएगा, फिर आपको ये पहला पेमेंट 100% दे देगा, ये पेमेंट आपको 100% मिल जाएगा, और फिर यहाँ का पेमेंट जमा करेगा, यहाँ का जमा करेगा, और इसके आगे का जो स्लॉट है 80 का, ये 40-40 जमा करेगा और ये 80 का स्लॉट बाय कर लेगा। इस तरीके से ये ऑटो अपडेट काम करता है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस बताया गया है लगभग 1200 लाट यहाँ पर है। आपके इच्छा अनुसार आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं लाख रुपए मंथ लेना तो आप 6 स्लॉट से शुरुआत करते हैं, तो आप अच्छा खासा अर्निंग लगभग एक दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने दिनों में लेना चाहते हैं 1 लाख रुपए आप ले सकते हैं 6 स्लॉट से शुरुआत करते हैं। और केवल 5 लोगों तक भी आप ये बिजनेस देते हैं तो यहाँ से 1 लाख रुपए का अर्निंग आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर 6 स्लॉट से आप शुरुआत करते हैं, पहले बंदे को रेफर करते हैं तो लगभग $180 आपको आता है, दूसरे बंदे को रेफर करते हैं तो फिर से 180 आता है। ये स्ट्रक्चर अनुसार आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तीसरे बंदे को जैसे आप रेफर करते हैं तो फिर से आपको $135 आएगा, चौथे बंदे को रेफर करते हैं तो $315 आएगा। यहाँ पे मैजिक देखो दोस्तों, आप आईडी लगा रहे हो $315, 6 स्लॉट यानी $315, लेकिन चौथे बंदे के ऊपर आपको $315 पूरा रिटर्न आ रहा है, पांचवें बंदे के ऊपर भी $315 आपको पूरा आ रहा है। अगर 5 लोगों को ही हमने ये सिस्टम दिया और उन्होंने भी 6 6 स्लॉट से शुरुआत की तो लगभग $1125 यानी $1 की कीमत लगभग हम लगाते हैं 90 रुपीज़ इंटू 1125 अगर हम करते हैं तो लगभग 99,000 रुपीज़ का हमारा पे आउट बनता है। दोस्तों इसमें कोई कंडीशन नहीं, आप चाहे घंटे में करो या फिर आप एक दिन में करो या एक हफ्ते में करो, 15 दिन में करो या महीने में करो, अर्निंग उतना ही आपका जनरेट होगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा ये है कि मेटाफोर्स सिस्टम जो है इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है और यहाँ पे कोई MDC MD या फिर कंपनी नहीं है, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, उसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 100% होता है। यानी लाख रुपए का बिजनेस हम अगर लाते हैं तो लगभग इसमें से 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन 70% आपको मिलता है और 30% ये कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, सिंपल है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने 5 लोगों को बिजनेस में लाया है, लगभग हम पकड़ के चलते 28,000 रुपये का एक आईडी आपने लगाया, 5 आईडी अगर आपने लगाए तो इसका जो अमाउंट बनेगा दोस्तों ये लगभग बनेगा 1,40,000 समथिंग अमाउंट ये बनेगा दोस्तों। इसमें से 1 लाख का पे आउट आपका बनता है और जो बचा 40,000 है ये भी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 5 लोग आपने डाला, आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट बना और 40,000 रुपये जो है मतलब अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, आपका नाम, आप कहाँ से है, पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा, पूरी कंफर्मेशन जानकारी आपको मिलेगी, डॉलर कैसे खरीदना है, बाय करना है, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जाएगी। बस आप अगर करना चाहते हैं तो एक मैसेज जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।